नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। और बहुत पुराने शब्द हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम लोग खड़े हैं फिलहाल शहीद भगत सिंह चौक पर। अब वो जो पहले एक चौक होता था, पहले एक मूर्ति होती थी, अब उस मूर्ति की जगह, मार्बल की मूर्ति की जगह तीन मूर्तियाँ, मतलब आप समझें तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों की मूर्तियाँ, आदमकद प्रतिमाएँ यहाँ लग गई हैं। और आज शहीदी दिवस है, आज शहीदी दिवस है, तो देखें कोई लोग हैं जिन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, अपनी जो संवेदनाएं हैं, अपने जो आप कह लें एक राष्ट्र जो महसूस कर रहा है इन देशभक्तों के प्रति, मालाएं पड़ी हैं इनके गले में। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? हर्षित। हर्षित हमारे साथ हैं और देख सकते हैं आप हर्षित पूरा वही भगत सिंह की वो जो केसरिया पगड़ी वाली फोटो उसके साथ यहाँ मौजूद हैं। हर्षित यहीं रहते हैं कहीं आसपास? हाँ जी, 5 नंबर एच ब्लॉक। इधर आओ, इधर बात करेंगे थोड़ा सा। जी जी हर्षित, 5 नंबर एच ब्लॉक में रहता हूँ। एच ब्लॉक में रहते हैं, दुनिया में आते हैं? हाँ जी, डेली चक्कर लगता है यहाँ पे, डेली आते हैं, सल्यूट करते हैं, फैन भगत सिंह के आई हैं, स्टेटस वेटर सब लगता है। पहले भी आए थे हम 15 अगस्त। फैन भगत सिंह के हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, फैन भगत सिंह के हैं, रोज स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस लगाते हैं, डेली चक्कर है। चौक बनाया, पहले भी चौक था, अभी थोड़ा बड़ा भी हो गया है चौक, और चौक को थोड़ा सौंदर्यकरण करने की कोशिश की गई लेकिन हो नहीं पा रहा है। नहीं चल रहा है, अच्छा है पहले से तो। देखो पहले मार्बल वाली थी, सिर्फ सिंगल थी इनकी, अब तीनों की कर दी है ना, पहले सिंगल था मार्बल वाला, ऐसे टूट। पहले ये भगत सिंह चौक था, अब ये शहीदी चौक हो गया है। जी जी हाँ जी, तीनों शहीद यहाँ आ गए हैं, भगत सिंह भी, सुखदेव भी और राजगुरु भी। और आप समझें कि आज 23 मार्च जो है, 23 मार्च को आज फांसी दे दी गई थी। आज 92 फांसी नहीं, शहीद हुए थे आज, 92 इयर्स हो गए शहीद हुए, 92 इयर्स। तरीका तो फांसी देकर ही शहीद किया गया था। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, 92 साल हो गए हैं, उन्हें याद है, हर्षित को याद है जी। मैंने यही भी नहीं पढ़ते हैं भगत सिंह की? हाँ जी सब, जेल डायरी लिखी भगत सिंह ने, वो पढ़ी आपने? सब पढ़ते रहते हैं, पिक्चर है शहीद 23 मार्च वाली है, लेजेंड भगत सिंह है, सारी पिक्चर देखी हुई, सारी पिक्चर देखी हुई है। तो फैन भगत सिंह के हैं आप असली है। तो आपको लगता है देशभक्ति की ज्यादा जरूरत है अभी इस समय देश में? सब अपने तरह से कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सब अपना देशभक्ति कर रहे हैं, कोई दिखा के कर रहा है, कोई बिना दिखाए कर रहा है, बिना दिखाए कर रहा है। पर लगता नहीं है कि जैसा जैसा देश हो जाना चाहिए था, जैसे देश की कल्पना भगत सिंह ने की थी, वैसा देश बना है नहीं बना? वैसा नहीं बना, वैसा नहीं बना, करप्शन बहुत है देश में। जो सोचा था उन्होंने वो हो नहीं पाया उसका, जैसे तो कह रहे थे ना अपना 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाए देश के लिए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। जो सोचा था वो कभी नहीं कर पाया कोई। उनके कितनी है आपकी? 23 साल जितनी इनकी थी भगत सिंह, जितनी इनकी थी उतनी ही, 6 महीने पूरे आज इनके भी, 23 साल 6 महीने में शहीद हुए थे, मैं भी 23 साल 6 महीने का आज हो गया, आज हो गए हैं। आप देख सकते हैं फरीदाबाद। तो आपको लगता है कि जैसा होना चाहिए था, देश को बनना चाहिए था, वैसा नहीं बन पाया है? वैसा तो अब आज के टाइम की पब्लिक तो कर नहीं पाएगी जो वो कर गए, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मम्मी कुछ भी नहीं कर पाए। बाकी है कि सपोर्ट करोगे तो सब मिलता है, सब ठीक होता है। सबसे पहली एकता है, कुछ एकता बनानी चाहिए। एकता भी नहीं है देश में, जगह जगह अलग अलग तरीके से बटा पड़ा है। जी, अभी मांग हो रही है नया देश बनाने की, मांग हो रही है पंजाब में। अब हर जगह आप जैसा है, अलग अलग सरकार बटी है ना, सरकार से क्यों लड़ सकता, अकेले तो कोई नहीं लड़ सकता। मांग ठीक है, ठीक है, हम तो यहाँ के रहने हैं, हमें यहीं का पता, वहाँ क्या करें। नहीं, देश के और टुकड़े होने चाहिए क्या? नहीं नहीं, टुकड़े क्यों होने, एकता रहनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। जी, एकता रहनी चाहिए देश में। और फरीदाबाद बड़ा मसला होता है, एक सज्जन भी हैं यहाँ आए हैं, मीडिया से ही हैं, बात करेंगे उनसे। जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बताइए। तो कैसा लग रहा है अभी तो ये चौक बदल गया है पूरा? सर चौक बदल गया, अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया है, ट्रैफिक हो सकता है कि कम लगे यहाँ पे, और बाकी शहीदों का सम्मान हो रहा है, अच्छा लग रहा है, शहीदों का सम्मान हो रहा है, अच्छा लग रहा है। फूल भी आए हैं, मालाएँ भी आई हैं,
फरीदाबाद देख सकते हैं आप, और हमारी भी श्रद्धांजलि है इन शहीदों के प्रति जिन्होंने अपना जीवन दे दिया इस देश की आज़ादी के लिए। और संस्थाओं के लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं से आ रहे हैं लोग, और बात करेंगे, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।